हेलो दोस्तों, नमस्ते। अभी बारिश का मौसम है और बहुत ही चटपटा खाने का मन करता है, तो मैं भी आपके लिए आज चटपटा कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता लेके आई हूँ, जिसे हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, नॉर्मल आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं वही वाला। वजन में माप करेंगी तो 200 ग्राम करीब होगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और नमक को अच्छे से मिलाएंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा झंझटबाजी नहीं है इस नाश्ते में, लेकिन ये हेल्दी भी है क्योंकि हम इस नाश्ते को बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। यहाँ पे पानी एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इसका बैटर तैयार करेंगे हम, ना ही इसका ज़्यादा गाढ़ा घोल रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अभी मैं इसमें और पानी डाल लेती हूँ और अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे क्या है, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, मतलब जो भी वीडियो मैं डालूँगी आपके पास आएगा। तो यहाँ पर मैं पूरा पानी डाल दिया है, 1 गिलास पानी लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, चम्मच को निकाल लेंगे और इससे मिलाएंगे। इससे क्या है, यहाँ बहुत जल्दी से मिल जाता है। और इसे करीब मैं 5 मिनट तक इस एक ही साइड में घुमाऊंगी। और एक ही साइड में घुमाने से क्या है, ये बैटर है जो एकदम हल्का हल्का हो जाएगा, एकदम फूला फूला नरम नरम सा। और इसी तरीके से आपको भी मिलाना है इस नाश्ते को बनाने के लिए, गेहूँ के आटे के बैटर को। तो आप देख सकते हो अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, और ये बैटर इस तरीके से मिलाने से एकदम फूला फूला दिख रहा है। अब मैं डाल दूँ इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची, 1 छोटी साइज का प्याज लिया है, इसे बारीक काट लिया। ये मैंने डाला है टमाटो, टमाटर के बीज निकाल दिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर में हल्दी ले रही हूँ। हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो नाश्ता पीला पीला दिखेगा। ये मैं डाल रही हूँ मनरेगा के बीज, यानी कि कलौंजी दाने। 1/2 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर सौंफ, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। ये इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। वेजिटेबल्स आपके हिसाब से डाल सकते हो, जो भी आपके पास है वो डाल सकते हो, जो आपको पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हो। और देखिए इस तरीके से हमको मिलाना है, और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है इस तरीके से बनाएंगे तो। लेकिन आप बैटर को अच्छे से मिलाएं पहले, अच्छे से घोल करें इसका, और अच्छे से मिलाने से बैटर एकदम नरम नरम हो जाएगा, फूला फूला दिखेगा। तो इस तरीके का बैटर रखना है हमको। अब इसे हम करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो अभी 10 मिनट हो गया है तो देख लेते हैं। तो देखिए हमारा बैटर पहले से फूला फूला लग रहा है, और इसके अंदर बबल्स के जैसे दिखने लग गए, मतलब आटा अच्छे से फूल गया है हमारा। अब मैं डालूँगी इसके अंदर चुटकी भर मीठा सोडा, जो हम खाने में यूज करते हैं वो वाला। 1/2 नींबू का रस निकाल के डाल देती हूँ इसके ऊपर। आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, और इसे मिलाएंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, इनो या मीठा सोडा डालने के बाद में नाश्ते को तुरंत ही बना ले, बैटर को ज़्यादा देर तक नहीं रखे। अब चलते गैस की तरफ। यहाँ पर तेल गर्म हो गया, तो अब डालेंगे बैटर। तो मैं यहाँ पर करछी से डाल रही हूँ, आप कोई भी छोटी चम्मच से भी डाल सकते हो। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा साइड में डाल दें, और ये चिपक भी गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे ही पकेगा तो अपना अलग अलग हो जाएंगे। अब हम इसे भी पलटेंगे, और आप वेजिटेबल आपके हिसाब से और भी ले सकते हो। इसमें आप कच्चे आलू या उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उनसे भी नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। और देखिए जैसे ही हमारा नाश्ता अच्छे से पका है तो कितना अच्छा लग रहा है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। और अभी बारिश का मौसम है तो ऐसा नाश्ता करने का बहुत मन करता है। और ये फुल वेजिटेबल नाश्ता है, और ये मैंने गेहूं के आटे से बनाया है, इसलिए हेल्दी भी है। ना मैंने इसमें मैदा यूज की है, ना ही बेसन यूज किया है। तो बाकी का बचा हुआ बैटर है, उसका भी हम बना लेंगे इस तरीके से। अब इन्हें हम पलटेंगे। पलट पलट करके हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से फ्राई हो गए, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और इसमें कोई ज़्यादा झंझटबाजी भी नहीं है, ये नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन जब घोड़ को करें तो अच्छे से उसे
घुमाए एक साइड में, और यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता हमारा बन गया है और एकदम फूला फूला है, और लेकिन क्रिस्पी भी है, कुरकुरा भी है। ऐसे नहीं है कि नाश्ता चटपटा नहीं है, चटपटे के साथ साथ में कुरकुरा क्रिस्पी भी है। और देखिए नाश्ता हमारा देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आपको मैं बता भी देती हूँ, देखिए कितना कुरकुरा बना है। तो आपको मेरे नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करके बताना। बाय बाय, टेक केयर।